राजधानी देहरादून में 30 अक्टूबर यानी कि कल रविवार को पुलिस मैराथन का आयोजन कर रही है। इसके लिए यातायात पुलिस ने ट्रैफिक का प्लान भी जारी कर दिया है, जिसके तहत रिस्पना से ईसी रोड, प्रिंस चौक और राजपुर रोड जाने वाले वाहनों को आईएसबीटी से होकर गुजरना पड़ेगा। एसपी ट्रैफिक अक्षय कौंडे ने बताया है कि आईएसबीटी से वाहन बल्लूपुर और सराहनपुर चौक घंटाघर से राजपुर रोड जा सकते हैं, तो वहीं धर्मपुर चौक अग्रवाल बेकरी से आगे अराधर और रेस कोर्स की ओर ट्रैफिक बंद रहेगा। राजपुर रोड पर ग्रेट वैल्यू के वहल चौक और इस बीच वाहन एक ही लाइन में आ जा सकेंगे। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जो रूट रहेगा वो हमने अलग अलग माध्यम से पब्लिसाइज किया, वो कम्प्लीटली जीरो जोन रहेगा। आज रात के बाद उसमें कम्प्लीटली बैरिकेडिंग रहेगी, पुलिस ड्यूटीज रहेगी। ओनली एक्सेप्शन विल बी इमरजेंसी व्हीकल, जिसको कहीं से भी हो जाए उसको अलाउ किया जाएगा। बाकी सब लोग चूँकि स्टार्ट पुलिस लाइन से हो रहा है, रेस कोर्स में हमने पर्याप्त पार्किंग दे रखी है और उसकी जो बन्नू स्कूल हो गया, गुरु नानक स्कूल हो गया, इस एरिया में पूरी पार्किंग है। आपको जगह जगह पे साइन बोर्ड्स मिलेंगे इसके। और बाकी चूँकि वाहनों का कोई मूवमेंट हमने इस रोड पे नहीं किया है, तो आउटर से ही डाइवर्जन शुरू होगा। जैसे रिस्पना से आप शहर की तरफ नहीं आ पाएंगे, प्रिंस चौक से आप शहर की तरफ नहीं आ पाएंगे।